आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ वैदिक टीवी। सभी को हाथ जोड़कर राधे राधे। और मेरा नाम क्या है? मेघा वर्मा। ये आसान उपाय आपको संकट से बाहर निकाल देंगे। इन्हें करने से शनि की कृपा बरसेगी। तो वीडियो में जो भी बताया जा रहा है उसकी सत्यता की पुष्टि वैदिक टीवी नहीं करता। ये जानकारी अब तक विभिन्न आलेखों द्वारा ही पहुँचाई जा रही है। वही शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के तरह तरह के उपाय हैं। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को शनिदेव अच्छा फल देते हैं और बुरे कर्म करने वाले को फिर शनिदेव ही देखते हैं। शनिदेव की पूजा उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में सभी दुख समाप्त होते हैं। कुछ आसान से उपाय करने से शनिदेव की कृपा बरसती है। ये उपाय हर संकट से बाहर निकालने का काम करते हैं। आज इन्हीं उपायों के बारे में बताते हैं आपको। अगर शनिदेव की कुदृष्टि से बचना है तो व्यक्ति को दोनों समय भोजन में काला नमक और काली मिर्च का प्रयोग करना है। शनिवार के दिन बंदरों को भुने हुए चने खिलाएं, साथ ही मीठी रोटी पर तेल लगाकर काले कुत्ते को खिला दें। शनि की अशुभ दशा चल रही है तो शनिवार के दिन मांस मच्छी शराब इसका सेवन ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। हर दिन पूजा करते समय महामृत्युंजय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। शनि के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। घर के किसी अंधेरे भाग में किसी लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डालकर रख दें। इससे शनि की दशा सुधरती है। ढैया चल रही है तो शुक्रवार की रात 800 ग्राम काले तिल पानी में भिगो दे। शनिवार को सुबह अगले दिन उन्हें पीस कर और गुड़ में मिलाकर 8 लड्डू बना ले, यानी 100-100 ग्राम का एक लड्डू। इसे किसी काले घोड़े को खिला दे। 8 शनिवार तक ये प्रयोग करें। इससे शनि की कृपा रहेगी। शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए शनिवार के दिन काली गाय की सेवा करें। इसके साथ ही पहली रोटी उसे खिलाएं, सिंदूर का तिलक लगाएं, सींग में मौली बांधें और रोटी खिलाकर प्रणाम करें। हर शनिवार को वट और पीपल वृक्ष के नीचे सूर्योदय से पूर्व यानी सूर्योदय से पहले सरसों के तेल का दीपक जलाकर कच्चा दूध अर्पित कर दें, साथ ही धूप भी अर्पित करें। शनिवार के दिन अपने हाथ के नाप का काला धागा लेकर उसे माला की तरह गले में पहन ले। अगर शनि की 7:30 चल रही है, उससे दुखी हो गए हैं, तो भाई शनिवार को अंधेरा होने पर पीपल के पेड़ पर मीठा जल अर्पित कर दे। इसके बाद सरसों के तेल का दीपक और धूप लगाएं, वहीं बैठकर हनुमान चालीसा, काल भैरव और शनि चालीसा का पाठ करें। इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।